वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अब मैं अपना मशीन को ऑन कर लिया हूँ और सेटिंग कर रहा हूँ और ऑटो मोड चला गया हूँ। और अब देखना है मुझे किसमें से बना, कौन सा बिस्की बनाना है। लॉन्ग रोस्टर में बनाना है, ड्रॉपिंग मशीन में। तो अब मैं लॉन्ग ड्रॉपिंग मशीन को पहले सेट कर लेता हूँ। मैं हॉपर सेट कर लेता हूँ, फिर ड्रॉप सेट कर लेता हूँ, बैंकिंग सेट कर लेता हूँ, बैंकिंग सेट कर लेता हूँ। मैं लंबाई चौड़ा थोड़ा सेट करके फिर मैं मशीन करता हूँ। आप देख लीजिए कैसे सेट करते हैं। मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सेट करके दिखा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो नए आए हैं। और कुकी सेटिंग सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। ध्यान से देखिए मैं किस तरह सेटिंग कर रहा हूँ। आप भी सेटिंग करें इस तरह और आपका भी बिस्किट अच्छी तरह से बन जाएंगे। ध्यान दें मैं सेटिंग कैसे कर रहा हूँ। और ध्यान रखें कि आप टेबल हाइट को 200 से ज़्यादा ना रखें वरना तार आपका बार बार कट जाएंगे। ये हमारे बिस्कुट हैं ड्रॉपिंग कुकीज़ लॉन्ग स्टाइल में। अगर आपको और दूसरा अगर स्टाइल चेंज करना हो तो आप रिवर्स में थोड़ा चेंज कर देंगे और तेल में थोड़ा बढ़ा देंगे, आपके बिस्कुट की डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। ये हमारे मशीन है गुड लाइफ कंपनी के। आप कोई भी कंपनी के मशीन को भी सेट कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि सब थोड़े से डिफरेंस होते हैं बट एक जैसे ही होते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि आप डच और डच स्पीड एंड बेल स्पीड एंड टेल स्पीड और पपैन सेट करने के से ध्यान तरीके से सेट किया जाए। लेकिन मैं तो ये सेट कर लिया हूँ। अब दूसरे पार्ट टू पे जा रहा हूँ। पीछे तरफ देखिए यहाँ पे कैसे सेट करते हैं। अब देख ली यहाँ पे आपको रिवर्स पॉइंट एंड लंबा और आपको कितने बिस्किट बनाना है एक ट्रे में। अब ट्रे का साइज कौन सा है, अब देखिए ट्रे में कितने बिस्कुट आते हैं नहीं आते हैं तो वो आप देख लेंगे और उसके हिसाब से सेट करेंगे। ठीक है, मैं बिस्कुट सबको सेट कर देता हूँ। आप देख लीजिए और बेल्ट स्पीड भी ज़्यादा नहीं रखेंगे, 25-26 ऐसे रखेंगे ताकि आपका बिस्कुट आगे पीछे ना हो। हेलो दोस्तों, यहाँ से देखिए मेरे सेटिंग को बिस्कुट मशीन का सेटिंग कैसे मैं सेटिंग कर रहा हूँ। और आपको अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जो समझ में ना आया मुझे कमेंट करें, मैं अब उसको फिर से डबल करके सिखाऊंगा। ध्यान से देखिए मेरी इस वीडियो को प्लीज़ दोस्तों। सबसे रिक्वेस्ट है मशीन के सेटिंग को ध्यान से देखे और सीख जाए। एक बार देखेंगे तो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरे सेटिंग कंप्लीट होने वाले हैं। आप ध्यान से देखिए